नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें फटाफट। काशी प्रवास के दौरान पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज ने कहा, 2.5 वर्ष में भारत बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। चारधाम यात्रा से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी उत्तराखंड सरकार, इस साल भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की है संभावना। तीर्थ यात्रियों को गुणवत्ता युक्त प्रसाद उपलब्ध कराए जाने के लिए उत्तराखंड प्रशासन ने की बैठक, प्रसाद पैकेजिंग में अब नहीं होगा प्लास्टिक का प्रयोग। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 36 परिवारों के 250 धर्मांतरित लोगों ने की घर वापसी, वेद मंत्रों के बीच गंगा जल से चरण पखार कर हुआ स्वागत। नोएडा में यूफ्लेक्स के 32 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की सर्च जारी, 150 करोड़ के बोगस ट्रांजेक्शन, करोड़ों के अवैध लेन देन की आशंका, 48 घंटों से चल रही है सर्च। यूपी के बरेली में गौ तस्करों पर पहली बार लगा NSA, जिले में कुख्यात 4 गौ तस्करों पर लगी रासुका, गैंग बनाकर करते थे गौकशी। भारतवंशी विवेक रामास्वामी लड़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव, बायोटेक कंपनी के मालिक है रामास्वामी, अमेरिका में $500 मिलियन के है मालिक। योगी सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए पेश किया बजट, किसानों को मुफ्त बिजली से लेकर हजारों करोड़ की कई नई योजनाओं की दी सौगात। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी पर महिला का घर फूंकने के मामले में 24 जनवरी से होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, 7 नवंबर को प्लॉट में बनी झोपड़ी में आग लगाने का है आरोप। पाकिस्तान में हिंदू बहन बेटियां नहीं है सुरक्षित, सिंध में नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण कर जबरन कराया धर्मांतरण, शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। आज के समाचारों में बस इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।